हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये स्नोफॉल हो रहा है, ये है मनाली का मॉल रोड। ये चारों तरफ का नज़ारा है मनाली के मॉल रोड का। काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है इस सीजन में, इसलिए ठंड भी काफ़ी पड़ रही है। बहुत ठंड है अभी, हाथ भी हल्का सुन्न जैसा हो रहा है। और इस तरफ है हिमाचल गवर्नमेंट का होटल कुंजुम, सामने है SBI के ATM, उस तरफ है हिमाचल टूरिज्म का ऑफिस, और इस तरफ मार्केट खुले हुए हैं, लगभग खुले ही हुए हैं दुकान, कुछ ही दुकान है जो बंद है। सामने है HP फ्रेश जूस बार, फ्रेश जूस पीना हो, संतरा है, नारंगी है, उसी को बोलते हैं मौसमी है, पाइनएप्पल है, सेब भी है, तो हर तरह के जूस का ड्रिंक अवेलेबल है। इस तरफ है SDM ऑफिस मनाली टाउन का, और ये देखिए छोटी सी झाड़ी लगी हुई है गार्डन टाइप की, बर्फ से ढक गई है मतलब बिल्कुल भी। और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर मनाली मॉल रोड में, फूड एंजॉय करना हो किसी भी तरह का, हर तरह के फूड मिल जाएंगे आपको। जेब में पैसे होने चाहिए, हर तरह के फूड, जापानी फूड, सुशी भी खा सकते हो, तो किसी तरह की कमी नहीं मिलेगी। सी फूड भी मिल जाएगा, पहाड़ी एरिया है फिर भी। और इस तरफ है ये, अंदर की तरफ जाएंगे तो ये मनु मार्केट, हर तरह के सामान अवेलेबल होते हैं इस तरफ। जो लोकल लोग होते हैं मनाली के, यहीं से शॉपिंग करते हैं सारे, डेली के सामान आधे किलोमीटर के रेडियस में, लगभग माल रोड के आधे किलोमीटर के चारों तरफ हर चीज की दुकानें हैं यहाँ पर, जो भी खरीदना हो। सामने है कनाडा पिज्जा। अच्छा मौसम है, ठंड है। सामने है दुर्गा मंदिर, और जब स्नोफॉल हो रहा हो तो अम्ब्रेला बहुत जरूरी है, छाता बहुत काम में आता है, नहीं तो आप फिर स्नोफॉल के मजे तो लोगे बर्फबारी के, लेकिन फिर भीग जाओगे, पूरा शरीर गीला गीला हो जाएगा। उधर वहां सामने छोटे छोटे स्टॉल लगाकर मोमो और सिड्डू बेचा जा रहा है, यहाँ की लोकल डिश है। भीड़ कम ही है टूरिस्ट की, बर्फबारी में जो एंजॉय करना चाहते हैं वही आते हैं यहाँ पर। बर्फ इतनी हो गई कि इसे साइड में जमा करके रख दिया है कि लोगों को चलने फिरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और ये सामने है इस तरफ मनाली का बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड है ये सामने, लेकिन बसेस तो नहीं चलती है जब ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो बस सर्विस बंद रहती है, कुल्लू से चलती है। और सामने है पहाड़ी गाय और बैल बोल सकते हो, जिसे याक बोलते हैं, घने घने लंबे बाल होते हैं, ठंड में ही ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ये है याक मनाली मॉल रोड पर। ये सामने की तरफ और एक ATM है, टूरिज्म का ऑफिस है हिमाचल टूरिज्म। सामने की तरफ है टैक्सी स्टैंड, टैक्सी यूनियन, जो बुक करना चाहते हैं टैक्सी। और इस तरफ है बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट, वेज भी हैं, नॉन वेज भी हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट हैं। और ये टैक्सी खड़ी है यहाँ पे टैक्सी यूनियन की, और आगे जाके माल रोड हो जाता है खत्म, तो
तो कोई लंबा नहीं है मनाली का मॉल रोड, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए मॉल रोड के दोनों तरफ। ये है राम बाग, मनाली मॉल रोड के बाजू में ही है बिल्कुल। और ये खुला खुला एरिया है, यहाँ पे सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मनाली विंटर फेस्टिवल और भी दूसरे तरह के फेस्टिवल। और यहीं पर साथ में ही लगा हुआ है मनाली का लोकल हैंडीक्राफ्ट, सामने दिख रहा है वो मार्केट है, लेकिन स्नोफॉल हो रहा है इसलिए अभी फिलहाल बंद है, नहीं तो वो खुला रहता है। ये आ गए हैं चौराहे पर, चौराहे क्या तिराहे बोल सकते हो, तीन रास्ता जाता है यहाँ पर। सामने जाता है मार्केट की तरफ, ये रास्ता जाता है ओल्ड मनाली हिडिम्बा टेंपल की तरफ, चढ़ाई है ऊपर ऊपर जाता है ये रास्ता, और इस तरफ नीचे की तरफ एक गोल चौक बना हुआ है, इस तरफ जाता है सोलांग वैली जाएं या फिर हाईवे मिल जाएगा कुल्लू जा सकते हैं। तो ये तिराहा है और सामने है मनाली का मॉल रोड। तो कुछ कुछ तो इस तरह का खूबसूरत नजारा हो जाता है जब भी स्नोफॉल होता है मनाली टाउन में। और ये मनाली मॉल रोड का नजारा है।